बाबा जी देखिए कैसे इसमें पानी दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर मिट्टी रहता तो मिट्टी यहाँ से छूता, लेकिन यहाँ बाबा जी कुछ भी नहीं अंदर डाले हुए, देखिए पूरा फ्रेश पानी है। कम से कम अभी 2 महीना तक रहेगा इस पर, जब तक अनाज नहीं होगा तब तक ये रहेगा रहेगा रहेगा। तो शोर तो आपके सर में भी चला जाता, कोई गारंटी नहीं है, फट जाएगा चमड़ा तो चल जाती है। अच्छा, तकलीफ नहीं होती है? अब होगी तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मटर है, ये देखिए ये मटर है, यहाँ पे देखिए चना है, और इधर देखिए राई हुई सरसों भी है। देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ब्रज किशोर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर ब्रज। दोस्तों पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी माघ मेला में मुख्य आकर्षण के रूप में बाबा जी आए हुए हैं, जो कि अपने सर पे गाजा, जौ और चना ये सब उगाए हुए हैं। और इसके उगाने के पीछे क्या राज है, वो ऐसा क्यों करते हैं, वो चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे भी मीडियाकर्मी हैं, जो बहुत से लोग आए हुए हैं और बाबा का एक एक करके इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे दर्शकों लोगों को भी देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ है। तो यहाँ पे दर्शक उस बात क्या भैया, कहाँ से आए आप? झांसी से। अच्छा, इनको देखने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा कभी सोचे थे कि कोई भी इंसान अपने सर पे बाल उगा सकता है? नहीं, यहाँ पे भी हैं भाई साहब। क्या देखे हैं ऐसा कभी? पहली बार देखा। मेरा नाम देवेश्वर गुप्ता है, कानपुर नगर से, राम देवी। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी, देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पे भीड़ लगी है। और ये दादाजी देखे थे क्या आप ऐसे बाबा को कभी? नहीं नहीं देखे, ये आप भी कर सकते हैं, कोई आश्चर्यजनक तो काम है नहीं। नहीं, अभी चलिए पूछते हैं, बात करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी मिट्टी भी थोड़ा भी अंश नहीं है इनको। माटी का अंश नहीं है? नहीं, बोलिए देखिए यहाँ पे, देखिए बाबा जी देखिए कैसे इसमें पानी दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ जैसे ही बाबा जी फ्री होते हैं, फिर इनसे इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आखिर के कितने टाइम यहाँ पे पानी देते हैं और क्या करते हैं। ये देखिए बाबा जी, देखिए इसी तरह से पानी गिराते रहते हैं, यानी कि सुबह शाम या पता नहीं कब देते हैं बाबा। ये देखिए दोस्तों, और फिर बात करते हैं कि बाबा जी कब ये जौ डाले थे अपने सर में और कितने दिन का ये जौ है, ये सब पूरी जानकारी लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से पानी चूरा है। देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी रहता तो मिट्टी यहाँ से छूता, लेकिन यहाँ बाबा जी कुछ भी नहीं अंदर डाले हुए, देखिए पूरा फ्रेश पानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और क्योंकि देखिए ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम फ्रेश पानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए पूरा हमारे बालों में भी, पूरा जड़ बालों में पकड़ लिया है, कपड़ा से भी क्रॉस कर रही है सोर, देख लीजिए सब। देखिए जय पर जो भी लटका है, मटर लखाई देता होगा, चना है, राई दिखाई दे रही है। अभी तो एक फसल रुकी है, हो सकेगा जामेगा, नहीं जामेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए उसका नाम। पिछली बार जो है कि आप कह रहे थे कि खून निकालते समय क्या खून वगैरह भी निकला था? आ जाता है, कोई गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे हैं अभी, बार जटा उस बार इतना है नहीं, बार बन गया था चैत में जी, उस बार जब कटिंग हुआ तो बार एकदम कट गया था, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा बार है, सिर्फ एक कपड़ा से कवर करके बांधा गया है। ये कपड़ा जगह जगह नहीं देख रहे हैं, उसी से कवर है जी, जी, जी। और ज्यादा बड़ा बार भी नहीं अपना। बाबा जी कितने दिन पहले इसमें बीज डाले? 15 दिन का हुआ, जोड़ लो 8 तारीख का है, आज का दिन हुआ ये नहीं जानते हम, 8 तारीख का है बस, हमें जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 15 दिन में इतनी बड़ी फसल हो गई है, कम से कम कितने दिन तक इसको रखने वाले? ये कम से कम अभी 2 महीना तक रहेगा इस पर, जब तक अनाज नहीं होगा तब तक ये रहेगा रहेगा रहेगा। अच्छा, अनाज हो जाएगा, प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद लोगों को प्रसाद बांटेंगे, वितरण करते बांटते भंडारा करवाते निकल जाएंगे। तो उसी के रहते हुए क्या आप सीने पर फिर उगाएंगे क्या? तो ये भी रहेगा वैसा, ये भी सीने पर रहेगा, ऐसे रहेंगे। तब तो ये तो और भी एक तरफ का अजूबा ही देखने को मिलेगा संगम में। अब ये तो मालिक जानेंगे, हम क्या जानेंगे, जी, जी, जी। कौन देखेगा, हम तो कर्तव्य करने जा रहे हैं, जो देखे मगर सच्चाई होगा तभी देखें, गलत होगा तो उसको कूड़े में डाल दो। जी, जी, ये तो प्रभु तुरंत लेके आओ, मार दो, हम तैनात है। जी जी, ये प्रभु की इच्छा से ही आप कर रहे हैं ये सब? माँ गंगा कर रही, हम कर रहे हैं। जी जी, माँ बनशक्ति कर रही, कर रहे हैं। हमारा गाँव घर, हमारा विश्व अगर खुशहाल है तो मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से हैं बाबा आप? मारकुंडी सोनभद्र। सोनभद्र से? अच्छा, आपका क्या शेड्यूल है, आप दिन भर में क्या करते हैं? दिन भर में बस चलते रहते हैं, करते क्या है, चाय मिला तो कोई दिया तो पी लिया, नहीं नहीं मांग के नहीं पियेंगे, दो चाहे मत दो। अच्छा, वहाँ अगर दे रहा हो बहुत बड़ा धन लक्कड़ होते, 1-1 रुपया दे के जाओ, देखेंगे जो कौन औकातदार है। जी जी, खाना क्या खाते? और बाबा यहाँ पे, अच्छा या तो कभी कभी मुड करता है, कोई बना देता है साफ सफाई से, तो बाटी वोटी खा लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। रात में क्या करते हैं ये तो कोई पता नहीं, कहीं भी आप? रात का कोई पता नहीं, जब गंगा किनारे रहेंगे, जमुना किनारे रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये पता नहीं। सही बताइए, रात में ठंड वगैरह नहीं लगता, इतना ठंड इसमें पड़ रहा है? अब सबके सुख होता तो घर नहीं होते, रजाई की तरह ऐसे गुड़ डाल के सोए होते।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जरा ध्यान दे के काम करिएगा, क्योंकि आप लोग की इज्जत ना जाए ना हमारी जाने पाए। जवान रखो तो सच्चा रखो, नहीं दोगला ही मत करना, नहीं, नहीं, नहीं। जो करना सच्चाई करना, और सच्चा के लिए अगर लड़ोगे तो तुम्हारे लिए भगवान खड़ा रहेंगे 24 घंटा। ध्यान देना, परमात्मा हरदम लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाबा जी ये जो पट्टी बांधा इसको खोलते भी होंगे, क्योंकि ये तो सड़ जाता होगा। अभी नहीं खुलेगा, मतलब 3-4 दिन में तो पानी की वजह से सड़ जाता है। कुछ नहीं सड़ेगा नहीं, फसल पूरा हो जाएगा तभी खोलेंगे ना। कपड़ा इस पर बनता जाएगा दूसरा भले, लेकिन वो नहीं निकलेगा। अच्छा, वो निकलेगा नहीं। कल इसमें देखेंगे तो ये कपड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये क्योंकि शोर बाहर आ रही है ना, उसको लपट लगेगा तो सूखेगा, तो ऊपर का पौधा सूखने लगेगा। तो शोर तो आपके सर में भी चला जाता, कोई गारंटी नहीं है, फट जाएगा चमड़ा तो चल जाती है। अच्छा, तकलीफ नहीं होती है? अब होगी तो क्या करेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको अपने सर पे ऐसा? अब हम कर दिए लोग बीन में पंडाल अपना सेवा करते हैं, हम अपना कर दिए, हम यही अपना करेंगे। ये आपकी हट तपस्या, तकलीफ कुछ नहीं होती है। अच्छा बाबा जी, आपके अंदर विचार कैसे आया कि आप सर पे मतलब इस तरीके से चमत्कार? नहीं जानते हैं, अब जाओ, हमारे पास कोई नहीं, हमारा साधना किया कर लिए, चल दिए बस, जाओ ऑटो पूजा कर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाबा जी अब जा रहे हैं पूजा करने, और यहाँ से नजदीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए बाबा जी, देखिए यहाँ पे, देखिए इनके सर पे कैसे जौ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, और ऊपर देख सकते हैं जौ इतना बड़ा बड़ा हो गया। अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मटर है, ये देखिए ये मटर है, यहाँ पे देखिए चना है, और इधर देखिए राई हुई, सरसों भी है, देखिए सरसों भी उगाए हुए हैं। तो अभी मतलब कि 15 दिन की ये फसल है, और 20-25 दिन और ये रहेगी, जब तक कि यहाँ तक इसमें से फसल तैयार न हो जाए तब तक कि ये बाबा जी इस माघ मेला में टिकने वाले हैं, रहने वाले हैं। और इसको देखने के लिए, इन बाबा जी को देखने के लिए यहाँ पे दर्शक लोग डेली आते हैं और देखते हैं, और जो जिनकी इच्छाएँ होती है वो यहाँ पे आते हैं, बाबा जी को फल चढ़ाते हैं, कोई पैसा देते हैं, या बाबा जी घूमते फिरते रहते हैं। क्या भाई, देखे हैं कभी बाबा ऐसे को? भाई मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं भाई टीकमगढ़ जिला का हूँ। अच्छा, इनको देखने के बाद कैसा लगा आपको? भाई बढ़िया लगा, भाई बढ़िया लगा। आपको भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग बाबा जी को देख रहे हैं सब आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि आखिर कि इन्होंने ये ऐसा किया कैसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर इससे जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।